राधे, हेलो हेलो, श्री राधे श्री राधे। थोड़ा लाउड हो रहा है मॉनिटर से। और जितने भक्त वृंद यहाँ पूरे भारतवर्ष से पधारे हैं, समर्पित भाव से दोनों हाथ आकाश की ओर खड़े करके मिलकर कहना जय जय श्री राम। अच्छा, आवाज अभी वैसी नहीं है जैसी बागेश्वर धाम में आनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ फिर से समर्पित भाव से खड़े करके जय जय श्री राम बोलिए। सियावर रामचंद्र महाराज की बोलिए, श्री बागेश्वर धाम की बोलिए, सदगुरु देव भगवान की बोलिए, सन्यासी बाबा की बोलिए, श्री प्रेम भाया सरकार की बोलिए, युगल सरकार की बोलिए, राधा माधव सरकार की जय जय सीताराम। आइए, ये अवसर जो हमें बालाजी महाराज ने दिया है, बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज ने दिया है कि हमें कृपा करके इतनी दूर दूर से बुलाया है नाम गुणगान के लिए, दर्शन के लिए, तो आइए इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए कोशिश कीजिएगा मेरे भावों के साथ आप जुड़ें। और मेरा विश्वास है, मैं आपको दिखूं या ना दिखूं पर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, तो मेरे साथ मिलकर जरूर नाम जप कीजिएगा। हेलो 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 हेलो, राम 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 राम। दिशा में थोड़ा बढ़ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो कोशिश कीजिएगा बड़ा तन कर बैठें, ऐसा लगे हमारे सरकार को जो मंदिर में विराजित हैं कि आज हमारे प्रेमी यहां आए हैं, तो एक जोरदार जय घोष बोलिए, जानकी वल्लभ लाल की जय।
ओ हनुमान विराज यो कथा चुनो चितलाए और तुम सेवक श्री राम के हम चरणों के दास और मिलकर कहना मेरे साथ जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय बजवा दिया बजरंगे बाला ने बजवा दिया अंजनी के लाला ने बजवा दिया वैसे आप इतनी अच्छी संख्या में बैठे हैं कि चाहे तो हम सब पे भारी पड़ सकते हैं पर कोशिश थोड़ी कमजोर है आपकी मिलकर कहना मेरे साथ बड़ा पुराना भजन है ट्रेडिशनल भजन है राजस्थान का तो मिलकर गाना बजवा दिया बजरंगे बाला ने बजवा दिया अंजनी के लाला ने बजवा अच्छा इसे टॉम के पीछे तक जो प्रेमी बैठे हैं मेरी आवाज आ रही है एक बार अपने हाथ खड़े कीजिएगा जिन तक जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही क्या बात है और क्या बजवा दिया सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया और उन्होंने लंका में बजाया बागेश्वर धाम सरकार ने पूरे विश्व में बजा दिया तो आइए दोनों हाथ की ताली से बागे साहब जय जय राम सिया राम 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 बजवा दिया बजरंगे बाला ने बजवा दिया अंजनी के लाला ने बजवा दिया बजरंगे बाला ने बजवा दिया अंजनी के लाला ने
भैया जी विराजमान हैं जिनके पिताजी ने सबको दिशा दिखाई है, रामायणी जी महाराज, जिनको सुनते सुनते आज हम उस रास्ते पर चलना सीखे हैं। वो क्या कहते हैं, निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के जो धनवान हो वो मत गाना, जो निर्धन हो वो जरूर गाना मेरे साथ। क्या कहना, निर्धन के धन सीताराम, निर्धन निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम, जय जय राम सियाराम, 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 जय जय राम सियाराम। भैया मुस्तक आवाज नहीं आ रही। अब सीताराम जी की बात अलग है, वो मन की भी सुन लेते हैं, पर मुझे तो वही सुनाई आएगा जो आप कहेंगे। नगरी हो अयोध्या सी,
आवाज आ रही है। अगर आपको लगे कि मेरा पड़ोसी नहीं गा रहा है तो उसे भी गवाएं साथ में।
जितना आपके गाने से पुण्य नहीं हो रहा है उतना दुगना होगा अगर वो भी आपके साथ गाएगा, क्योंकि उसके नाम जप के माध्यम आप बनेंगे। ठीक है, मिलकर गाना। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय 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 राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में बस राम राम कर। जितना आनंद उनके चरणों में उतना कहीं नहीं है। मिलकर दोनों हाथ की ताली से सेवा के साथ, जय जय राम सिया राम, 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन सरकार की, बोली युगल सरकार की, बोली राधा माधव सरकार की, जय जय सीताराम, जय सीताराम। सेम माइनर और साउंड वाले भैया, मेरा निवेदन है उनको कुछ समस्या हो रही है, एक बार आप प्लीज देखिए। और जितनी जल्दी आप खड़े होते हैं उतनी जल्दी बैठ भी जाया करें, बैठ जाएं, जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाएं। और आइए एक बड़ी सुंदर रचना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे एक घंटे का समय दिया गया था, उसमें 10 मिनट शायद हो चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, श्री राम जय राम। और आइए बड़ी सुंदर रचना भी हाल ही में YouTube पर रिलीज भी हुई है, मेरे बागेश्वर सरकार के नाम से हमारी, और इसे हमने ही लिखा है और हमने ही गाया है। तो कोशिश कीजिएगा, जितने प्रेमी आज यहाँ बैठे हैं जानकी वल्लभ लाल जी के, कोशिश करना हर एक प्रेमी के श्रीमुख से
ये पंक्तियां गाई जाएंगी तो हमारा लिखना और गाना सार्थक होगा। बोलिए श्री बागेश्वर धाम की जय हो। हेलो 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 ऐसा दरबार जहां लाखों भक्तों की अर्जी लगती है, सुनवाई होती है, जिनके काम बनते हैं, कष्ट मिटते हैं, ये वो दरबार जहां आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने हम जैसे नालायकों को, पाखंडियों को अपना कृपा पात्र बनाकर आज यहां तक बुलाया है। तो इस अवसर का भरपूर उपयोग करते हुए मिलकर आनंद के साथ में इस रचना को गाइएगा। कुछ लिखने का प्रयास किया, त्रुटि तो स्वाभाविक है क्योंकि हमने लिखा है, पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जग जाने महिमा बागेश्वर की, जग जग जाने महिमा बागेश्वर की, जहां विराजित श्री हनुमान दर्शन लाभ वो पाते सदा, जिन पर कृपा करे श्री राम। बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप हुई मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं राम का नाम, मुझे ये बताइएगा अपना एक हाथ खड़ा करके कि आप में से बुंदेलखंड से कौन कौन है।
अच्छा जो आगे बैठे हैं सब बुंदेलखंड के ही। अच्छा फिर तो मेरा जो संदेह था वो दूर हो गया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जहां जहां से भक्त नाच रहे थे वो बुंदेलखंड के ही हैं सब। भैया बाकी सब क्या करने आए हो? सो रहे हैं। वैसे ये गलती आपकी नहीं है, गलती हम लोगों की है, हम इतना लेट तक यहाँ बैठकर गा रहे हैं, क्योंकि आप तो पूरा दिन यहाँ दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो थकान तो स्वाभाविक है। आइए। सांसों की माला पे सिमरू मैं राम का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की रागा, अपने मन की पी के मन की रागा, सांसों की माला पे सिमरू मैं राम का नाम। तो तैयार है सब सुमिरन करने के लिए मेरे साथ मिलकर गाना? मेरे बागेश्वर हनुमान हनुमान जयकारा गूंजे गली गली, मेरे बाग जयकारा गूंजे गली गली, हो जयकारा गूंजे गली गली, जय अच्छा इधर से थोड़ी कंजूसी हो रही है आवाज में, कि वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए चाहे मरा कहो या राम। मिलकर गाइएगा, आप इतनी दूर से चलकर आए, अगर मेरे साथ गाएंगे तो मैंने कहा ना ये आनंद परमानंद में बदल जाएगा, ये हमारे हाथ में है, मिलकर कहना। जयकारा गूंजे गली गली, हो जयकारा गूंजे गली गली, जय भैया गली गली दूर की बात है, डोम से बाहर नहीं जा रहे आप लोगों की आवाज, कोई बात नहीं, आइए कोशिश कीजिएगा। तैयार हो सब? एक जोरदार जय घोष के साथ बताना, बोलिए श्यामर रामचंद्र महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए सतगुरु देव भगवान की, बोलिए लाज बचाने वाले की, बोलिए श्री प्रेम भाया सरकार की, बोली युगल सरकार की, बोली राधा माधव सरकार की, जय जय श्री राधे। मेरे बागेश्वर हनुमान हनुमान जयकारा गूंजे गली गली, मेरे बागेश्वर हनुमान जयकारा गूंजे गली गली, जयकारा गूंजे
बात बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, हो करने से नहीं होगा, पूछ रही हूँ कि आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है तो मिलकर गाना, देवे परिचे भंडार भरे, देवे परिचे भंडार भरे, संतों की हो, संतों की महिमा अपार है। हाँ अपार, जयकारा गूंजे गली गली, संतों की महिमा अपार। हाँ अपार है, जयकारा गूंजे। पाएंगे शरणागत हो जाए पार, शरणागत जयकारा गूंजे। अच्छा एक बार और गा दो, जयकारा गूंजे हो, जयकारा गूंजे गली गली, जय लग रहा है गूंज रहा है मिलकर, मेरे बागेश्वर, मेरे बागेश्वर, मेरे बागेश्वर हनुमान, हनुमान जयकारा गूंजे गली गली। Thank you.
बोलिए श्री बागेश्वर धाम की, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए पल पल रक्षा करने वाले की, बोलिए श्री प्रेम भाया सरकार की, बोलिए युगल सरकार की, बोलिए राधा माधव सरकार की, जय हो, जय जय सीताराम, जय सीताराम। और आइए एक रचना गुरु महाराज के चरणों में, क्योंकि ये संतों की कृपा है, ये संतों का आशीर्वाद है कि हमारे पुण्य उदय हुए और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और जहाँ जिस भूमि में हम बैठे हैं वो भी संतों की तपोस्थली है। तो आइए एक जोरदार जय घोष, बोलिए सतगुरु देव भगवान की, एफ कर दीजिए। बोलिए श्री सन्यासी बाबा की जय हो। और कहा जाता है कि आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जब जाते हो संतों से मिलने को, उनकी कृपा पाने को, तो जो अभिमान और जो माया का जो अहंकार है ना, जहां जूता स्टैंड होता है ना, वहीं पे रखकर जाना चाहिए। कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यू ज्यू पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कि जैसे जैसे संतों से मिलने को हम कदम बढ़ाते हैं, वो करोड़ों तप करने, करोड़ों जप करने के समान होता है। आइए एक कृपा पात्र जब पहुंचा सदगुरु महाराज के चरणों में, तो उसने क्या मांगा? और वास्तविकता में यही मांगना चाहिए हमें अपने सदगुरुओं से। गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो ना, आई गुरुदेव कृपा करके मेरी बात बना दो ना,
कि चक्र 84 के जाल में हर बार नया जन्म लेता हूँ फिर आता हूँ। आप जानते हैं 84 लाख योनियां होती है, सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है। और आपने जो मनुष्य रूप धारण किया है ना, उससे पहले आपने हर जीव के रूप में जन्म लिया है, उसके बाद में आप मनुष्य बने हैं। और इस रूप को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म में जितना भजन हो सकता है, जितना कीर्तन हो सकता है, वो और कहीं नहीं हो सकता। और कलयुग में तो नाम जप का बड़ा सीधा स्वरूप है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर उतरा ही। आइए मेरे साथ मिलकर कहना, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। जिनके जीवन में गुरु नहीं होते ना, हमारे राजस्थान में उनको नुगरा कहा जाता है, और उनको वैकुंठ प्राप्ति भी नहीं होती बिना गुरु के दर्शन के, बिना गुरु के सानिध्य से। तो कोशिश कीजिएगा हर एक प्रेमी मिलकर गाए मेरे साथ, जरूरी नहीं हम दीक्षा लें गुरु से। सबसे बड़े गुरु अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज हैं, जिनसे सीखना चाहिए कि भक्ति कैसे की जाती है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अहंकार के। आइए मिलकर गाना, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, बना
अच्छा अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनके मुंह बंद हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने कुछ एहसान किया हो बालाजी पर यहाँ पधार कर, कि अब वो नहीं गाएंगे, जितना करना था कर चुके। अच्छा एक स्वाभाविक सी बात बताइए, बहुत प्रैक्टिकल बात है, ऐसा कभी हुआ कि आप बैंक में गए हो और पैसे गलती से हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए हो? नहीं हुआ ना, तो ये कैसे सोचा कि नाम जब हम करें और हाजिरी आपकी लगेगी? नहीं लग सकती ना, आप गाएंगे तो आपकी लगेगी। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, क्या बात, सच्चाई है कि जीवन बीता जा रहा है पर दिशा नहीं मिल रही, तो एक बार मिलकर गाना, अब बीत चला जीवन, अब बीत। ये जो खड़े हैं इनके पीछे जो बैठे हैं जिन्हें लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा, वो जरूर मिलकर गाना, क्योंकि मेरे राम जी सब देखते हैं। अब बीत चला जीवन, अब बीत, मोहे राम मिला दो ना, बिगड़ी कई जन्मों की, बिगड़ी इस बार बना दो ना, गाओ, बिगड़ी कई जन्मों की। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि सही समय पर आ गए सदगुरु महाराज के चरणों में, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और ये क्षमा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, तो बाद में पता लगे कि गा लेना चाहिए था, क्योंकि संत का स्वरूप नहीं होता, संतों का स्वभाव होता है, और जो जिसे देखकर वो अनंत याद आ जाए वो संत होते हैं, जिनके दर्शन करके वो अनंत याद आ जाए वो संत होते हैं। तो आइए मिलकर कहना, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा,
कि कर्ता करे ना कर सके, कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सब होए, और सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। और आइए, जब मैं आई थी तो मुझे आदेश हुआ था कि ठाकुर जी के चरणों में मैं अपनी रचना रखूं, तो एक जोरदार जय घोष। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली राधा रमण लाल की जय हो, बोली श्री गिरधर लाल जी सरकार की जय हो। माइनर एक जोरदार जय घोष फिर से ठाकुर जी के चरणों में। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। तो बड़ा हमारी तो बड़ा।
हेलो 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 और आइए, जैसा कि हमें आदेश हुआ है फिर से उसी ओर चलते हैं। तो आइए, बड़ी ही गमगीन वह स्थिति कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो पड़े, किस प्रकार राम जी ने बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि अगर सूरज के उगने से पहले आप नहीं आए तो लक्ष्मण की मूर्छा कभी तोड़ नहीं पाएंगे हम। और इस बात को कितने सुंदर स्वरूप में प्रस्तुत किया है लेखक ने, सुनिएगा। सो पलक ढाप तो है
ना तोहे देखन दूं। मन के मंदिर में बिठा कर मैं तेरी पूजा करूं, मेरे बजरंग बाला बाला रे बाला रे बाला रे बजरंग बाला रे बाला। मन के मंदिर में बिठा कर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे ना देखे पर मैं तुझे देखा कर। कि आप मुझे देख पाए या नहीं देख पाए पर आपका दर्शन मुझे हमेशा होता रहे, यही मेरे लिए काफी है। तो लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं, श्री राम कभी आकाश में देखते हैं कभी लक्ष्मण को देखते हैं और क्या कहते हैं बालाजी महाराज से। संकट ने घेरा है आजा, तेरा राग पुकारे रे। संकट ने घेरा है तुझे, तेरा राम पुकारे रे, आजा मेरे हनुमान। ऐसा पहली बार हुआ इस संसार में कि एक स्वामी को अपने दास से ये विनती करनी पड़ी कि अगर आप जल्दी आ जाएंगे सूर्य उदय से पूर्व तो लक्ष्मण जी की मूर्छा हम तोड़ सकते हैं। आइए मिलकर दोनों हाथ की ताली सेवा के साथ गाना मेरे साथ। संकट ने घेरा है तुझे, तेरा राम पुकारे रे, आजा मेरे हनुमान। गाओ आजा मेरे, क्योंकि इतनी देर आप झूम कर नाच कर हाजिरी लगा रहे थे, अब देखना यह है कि कितने प्रेमियों के श्रीमुख से आवाज आती है। भाई की मूर्छा को तोड़ कर प्राण बचा ले रे, आजा। अच्छा आप थोड़ा नेपाल की घड़ी की तरह चल रहे हैं जो भारत से 15 मिनट देर से चलती है, मिलकर आजा मेरे, आजा मेरे। हाँ भैया सेवा के साथ। संकट ने घेरा है तुझे, तेरा राम पुकारे रे, आजा मेरे हनुमान। संकट ने घेरा है तुझे, तेरा राम पुकारे रे, आजा
श्री राम ने विनती की हनुमान जी महाराज से, कहने लगे माता को जा करके मैं क्या हनुमान हनुमान हनुमान
भी टुकड़ों ने घेरा है। आकर कि तूने ही गम से उबारा है, गम से उबारा है। अब हर्ष क्यों देरी करे तेरा राम पुकारे रे, आजा मेरे। एक बार और प्रेम से मिलकर। संकट ने घेरा है तुझे तेरा दास पुकारे रे, आजा हनुमान। आगे से पीछे जितने प्रेमी हैं दोनों हाथ की ताली सेवा के साथ। संकट ने घेरा है तुझे तेरा राम पुकारे रे, युगल जोड़ी हमारे बीच पधार चुके हैं, तो जैसा भी मुझे आदेश होगा ईमान हेलो हेलो दूसरा सफेद डी कर दीजिए यमन। और आइए जैसा मुझे आदेश हुआ है थोड़ा सा वोकल बढ़ा दें और इसका रिपीट भी बढ़ाएं। Na na na
थोड़ा सा रिपीट इसका बढ़ा दें आप जी। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है कि ऐसी कोई पात्रता मुझ में नहीं है कि तुम्हारी कृपा मुझ पर हो, पर तुमने मुझे अपनी शरण में बुलाया है तो तुम्हारी कृपा को मैं महसूस करता हूं, हर क्षण महसूस करता हूं। खाक मुझ में कमाल रखा है, दाता तूने संभाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, दाता तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे, ऐब मतलब अवगुण, दोष, गलतियां, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा, खाक मुझ में कमाल रखा है, दाता तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। लाली मेरे माई की, लाली मेरे, लाली, लाली, लाली मेरी माई की, जित देखूं तित लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। बंसी बजाएगा यो शाम मोसे नैना मिले के, बंसी बजाएगा यो शाम मोसे नैना मिले के, नैना में आई के नैना, बंसी बजाएगा यू शाम मोसे नैना मिले के, बंसी बजाएगा यू शाम मोसे नैना। और एक बड़ा सुंदर पद है जो मुझे बहुत पसंद है व्यक्तिगत रूप से, तो कोशिश कीजिएगा आपके भाव मेरे भाव तक जुड़ पाए तो आनंद आ जाएगा। संभालो दास को दाता, संभालो सुध क्यों भुलाई है, मेरी सुध क्यों भुलाई है, न जाने आज क्यों फिर से, न जाने आज क्यों फिर से तुम्हारी याद आई है, तुम्हारी। दोनों हाथ की ताली शिवा के साथ मेरे साथ मिलकर गाना, न जाने आज तो फिर से, न जाने आज तो फिर से तुम्हारी याद आई है, न जाने आज तो फिर से।
कोशिश कीजिएगा हमारी आवाज वहां तक पहुंचे जहां हमारे सरकार विराजमान है। तुम्हारी Yeah.
द्वारिका गुजरात अभी गए थे कुछ समय पहले, वहाँ सरकार के चरणों में हमारी हाजिरी लगी, तो हम मंच पर बैठे थे और ये लग रहा था कि हम गिरधर लाल जी के लिए बहुत कम समय में कुछ लिखकर नहीं लाए हैं, पर जब ऐसा होता ना कि उनकी प्रत्यक्ष कृपा होती है तो हमारे द्वारा प्रयास किए जाए या नहीं किए जाए, थोड़ा सा बस कृपा मिल जाए तो काम बन जाते हैं। मैं मंच पर बैठी थी और उस दिन गिरधर लाल जी ने स्वरूप धारण किया था श्री जी का, बड़े लंबे केश थे उनके और बड़ा सुंदर लहंगा उन्होंने पहना था और लाल और पीले रंग का जो कॉम्बिनेशन था, जो पोशाक का, बड़ा सुंदर था। तो मंच पर बैठे बैठे ये पंक्ति मुझे याद आई और मानो ऐसी कृपा बरसी कि स्वयं ठाकुर जी ने ये पंक्तियां मुझसे गवाई हो, मुझसे लिखवाई हो। गिरधर लाल गोपाल पदा
जितने बैठे हैं सबकी आवाज आ रही है नहीं आ रही? राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा किधर वाले राधा 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 श्री राधा, क्योंकि हमारी स्वामिनी जी बड़ी भोली हैं, हमारे अवगुण ठाकुर जी जरूर देख लिया करते हैं, स्वामिनी जी नहीं देखती। एक बार किसी ने पुकारा और दौड़ी चली आती हैं, तो कोशिश कीजिएगा मेरे साथ मिलकर गाएं राधा 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 श्री राधा श्री ईश्वर धाम की, बोली श्री जानकी वल्लभ लाल की, बोली श्री प्रेम भया सरकार की, बोली युगल सरकार की, बोली राधा माधव सरकार की, राधा रमण लाल की, बोली श्री गिरधर लाल जी सरकार की, जय जय सीताराम, जय सीताराम।
और जैसा मुझे आदेश होगा आज की राग सेवा में सुरभि जी और उनकी पूरी टीम ने लगभग 2 घंटे तक हमें अनेक सुरीले भजनों के माध्यम से भगवान की तमाम लीलाओं से जोड़ने का प्रयास किया। पूज्य महाराज जी से आग्रह है कि वो बड़े वाले मंच पर आकर बारी बारी से सभी कलाकारों को बालाजी का विग्रह भेंट कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें और इसके बाद अब अगली प्रस्तुति के लिए आकृति मेहरा जी हैं, उनकी प्रस्तुति भी 1 घंटे इस मंच पर होनी है। सुरभि जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। शौर्य भूमि राजस्थान से वो हमारे बीच आई थी। पूरी टीम ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से 1 घंटे हेलो 1 घंटे तक उन्होंने राग सेवा की और बालाजी के आंगन में अपनी मधुर और सुरीली वाणी से सेवा करती रही। एक एक करके उनकी टीम के सभी कलाकार यहां बड़े मंच पर आए ताकि पूज्य महाराज श्री का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। बालाजी के विग्रह के साथ वो इस आयोजन की स्मृतियां लेकर सुरभि जी इसी मंच से आ जाए। एक एक करके सभी को पूज्य महाराज श्री इसी मंच से कर दें। आज बेटियों का दिन था और बेटियों ने अपनी राग सेवा के माध्यम से भगवान बालाजी के आंगन में अपनी प्रस्तुतियां दी। करतल ध्वनि से बेटी सुरभि चतुर्वेदी का स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर और सुरीले भजन उन्होंने प्रस्तुत किए। एक बहुत ही सुरीला कंठ माँ भगवती ने उन्हें प्रदान किया है और बहुत ही सुरीली आवाज के माध्यम से वे अपनी सेवा दे रही थी। राजस्थान से आई हैं। एक एक करके बाकी कलाकारों पूज्य इंद्रेश महाराज जी से भी आग्रह है कि वो भी सभी को विग्रह भेंट कर इन स्मृतियों को यादगार बना दें। पूज्य हरिद्वार वाले महाराज जी से भी आग्रह है कि वो सभी कलाकारों को पूज्य आप बाकी लोग भी आ जाएं, बाकी कलाकार भी आ जाएं। आकृति जी की टीम उनके साथ जो संगीत की टीम है वो अपने साधनों को सजा ले। इसके बाद उनकी प्रस्तुति प्रारंभ होगी। ये पूरी संगीत की टीम जो इस पंचम बुंदेलखंड महोत्सव में अपनी सेवा के लिए आई थी राजस्थान से, सुरभि जी की पूरी टीम, उन सभी को पूज्य महाराज जी बालाजी का विग्रह भेंट कर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पंचम बुंदेलखंड महोत्सव में लगातार रस बरस रहा है, ज्ञान का रस, संस्कृति और कला का रस। पूज्य महाराज जी दिन में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ज्ञान वर्षा कर रहे हैं और संध्याकालीन सभा में निरंतर
कला और प्रतिभा की वर्षा हो रही है। आकृति जी और उनकी टीम भी इसी क्षण में आ जाएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान कर लें। आकृति जी और उनकी पूरी टीम वो भी इसी क्षण में आ जाएं। अभी आकृति मेहरा जी की टीम को भी अपनी राग प्रस्तुति देनी है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आकृति मेहरा, ये अपनी राग प्रस्तुति कुछ ही क्षणों में देंगी और इनको भी आपका हौसला और प्रोत्साहन मिलेगा। एक एक करके सभी लोग आ जाएं और आज की अपनी प्रस्तुति के पूर्व पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ वे अपनी सेवा दे सकें। रात्रि हो चली है लेकिन आपके आनंद में कमी नहीं आ रही है क्योंकि पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान है और जब जब वो नेत्रों के समक्ष विराजमान होते हैं तो आनंद तो घटता ही नहीं है। ना उन्हें देखने से आंखें थकती हैं, ना उन्हें सुनने से कान थकते हैं, ऐसे वो खूब थके हैं और दिन भर से परिश्रम कर रहे हैं, आंखों में नींद है लेकिन फिर भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं ताकि जो उन्हें निगाह भर देखने आए हैं वो उनके दर्शन ले सकें, आशीर्वाद ले सकें। और अब आकृति मेहरा जी और उनकी पूरी टीम जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर लें ताकि पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति में उनके कुछ भजन हो सकें। महाराज जी, एक और निवेदन आपसे है। एक बहुत ही अच्छा काम आज हुआ है धाम पर, तो उनको भी सम्मानित करना है। जूनागढ़ गुजरात के प्रसिद्ध चित्रकार हैं रजनीकांत अग्रवाल जी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, वहां से 51 चित्र लेकर आए हैं, आपके चित्र जो उन्होंने खुद बनाए हैं। सारी चित्रों की जो प्रदर्शनी है उन्हें प्रदर्शनी में उन्होंने सजाया है और हर चित्र की एक सम्मान राशि रखी है और उन्होंने ये कहा है कि वो सम्मान राशि पूरी तरह से वो कन्या विवाह में समर्पित करेंगे। मतलब चित्र भी लोग ले जाएं, उसके सहयोग में जो राशि दे जाएं वो कन्या विवाह में समर्पित करेंगे। ये चित्र प्रदर्शनी आपको जो सामने कथा पंडाल के प्रदर्शनी लगी है वहां पर लगी है। वहां महाराज जी के 51 पोर्ट्रेट हैं जिनको चित्र कहते हैं, वो आप खरीद सकते हैं, उनको घर में ले जा सकते हैं। और इस तरह के पोर्ट्रेट आप जितनी भी राशि से खरीदेंगे वो संपूर्ण राशि गुजरात के कलाकार रजनीकांत अग्रवाल जी कन्या विवाह में दान करके चले जाएंगे। आप गुजरात से आए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं जिन्होंने 142 चित्रों को निर्धारित समय सीमा में बनाया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पर है, इसलिए ये सर्टिफिकेट और ये गोल्ड मेडल जो इन्हें प्राप्त हुआ था, उनका ऐसा संकल्प था कि पूज्य महाराज श्री उन्हें अपने हाथों से ये गोल्ड मेडल पहनाएं जो इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर मिला था। इन्होंने निर्धारित समय सीमा में चित्र रचे इसलिए इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और ये चाहते थे कि पूज्य महाराज श्री अपने हाथों से ये उन्हें पहनाएं ताकि पूज्य महाराज श्री, पूज्य इंद्रेश महाराज जी भी इन क्षणों में साक्षी बन रहे हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए ऐसे कलाकारों का। एक कलाकार के पास बेटी को देने के लिए क्या था, उसके पास कुछ चित्र थे और वो अपने चित्रों को लेकर आ गए कि इन चित्रों को किसी के घर में सजाने के बाद जो सहयोग राशि लोग देंगे वो सारी सहयोग राशि कन्या विवाह में वो खर्च करेंगे। तो हर कोई बेटियों के विवाह के इस महायज्ञ में अपने सामर्थ्य के अनुरूप सहयोग कर रहा है। गुजरात से आए कलाकार, जूनागढ़ गुजरात से रजनीकांत अग्रवाल जी, उनका हम बहुत
अभिनंदन करते हैं, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने, और एक चित्र पर हस्ताक्षर कर एक स्मृति के रूप में वो उन्हें पूज्य महाराज श्री भेंट भी कर रहे हैं। आप सभी रजनीकांत अग्रवाल जी के बनाए हुए चित्रों को देख सकते हैं। कथा पंडाल के ठीक सामने जो वागेश्वर दर्शन दीर्घा लगाई गई है, उसी के भीतर वो 51 चित्र भी रखे गए हैं। आप उन्हें देख भी सकते हैं और उन्हें अपने घर भी ले जा सकते हैं। बहुत मामूली सहयोग राशि के तौर पर आप उन चित्रों को क्रय कर सकते हैं और अपने घर में सजा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि संपूर्ण रूप से कन्या विवाह के इस महायज्ञ में खर्च होगी। तो इस तरह से आम के आम और गुठलियों के भी दाम, जो पैसा आप खर्च करेंगे वो पैसा एक अच्छे काज में भी लगेगा और साथ ही आपको पूज्य महाराज श्री का चित्र भी अपने घर में लगाने के लिए मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंचम बुंदेलखंड महोत्सव के अंतर्गत निरंतर राग सेवा हमारे कलाकार दे रहे हैं और इस सेवा में अब बारी है आकृति मेहरा जी की। उनकी टीम जल्द से जल्द अपने साज सजा ले और फिर एक घंटे की प्रस्तुति आकृति मेहरा जी अभी और देंगी। आज पूरा दिन अति व्यस्त रहा पूज्य महाराज श्री। सुबह से पहले दरबार में बैठे, आज शनिवार का दिन था, दिव्य दरबार का अवसर था, प्रेतराज सरकार का दरबार था और पूज्य महाराज श्री भी पधार चुके हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है, ऐसे बद्री विशाल वाले पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं करतल ध्वनि से, उनका भी अभिनंदन करिए। देश के अमर शहीदों और बलिदानियों के लिए ये अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में पूरा समय पूज्य महाराज जी दे रहे हैं और निरंतर उनकी उपस्थिति से हम इस यज्ञ के सफलतम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ग्राम गढ़ा से लेकर अमेरिका और लंदन तक के श्रद्धालु शामिल हैं और इस यज्ञ को अपने आंखों से देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। मंच पर भी अनेक देशों से आए श्रद्धालु विराजमान हैं, जिन्हें पूज्य महाराज श्री बागेश्वर का पागल कहते हैं और उन सभी की उपस्थिति हमारे बीच है। इसके अलावा पूरे बुंदेलखंड से लोग आए हैं। बुंदेलखंड से जो लोग बाहर के हैं उन्हें बता दें कि बुंदेलखंड में यज्ञों को लेकर एक अलग ही संस्कृति है। यहाँ यज्ञ में भगवान बालाजी के दर्शन भले कठिनाई से हों वो चलेगा, पूज्य महाराज श्री ना मिल पाए वो चलेगा, लेकिन यज्ञ की पूड़ियाँ खाने का एक जो संस्कृति का हिस्सा है वो ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग जरूर निभाते हैं और ऐसा मानते हैं कि यज्ञ की प्रसादी पाकर वो अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। यही वजह है कि बुंदेलखंड के दूर दूर से, कोने कोने से ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहन इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। भारत के कोने कोने से इस पंडाल के भीतर श्रद्धालु विराजमान है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटक से है और हर कोई इस यज्ञ का साक्षी बनना चाहता है और इस यज्ञ का रस ले रहा है। और यज्ञ में सभी तरह के रस हैं, ज्ञान चर्चा हो रही है, कला की चर्चा हो रही है, संस्कृति की चर्चा हो रही है, प्रसादी भी है, दिन भर भंडारा चल रहा है। देश के अमर शहीदों के स्मृति में श्रीत्या अति विष्णु महायज्ञ भी चल रहा है। पूज्य महाराज श्री का संकल्प था कि इस पूरे यज्ञ का जो पुण्य लाभ है
वो पुण्य लाभ हम देश के अमर शहीदों, सैनिकों के परिवारों को अर्पित करना चाहते हैं। शहीदों की आत्म शांति के लिए ब्याह का मौसम चल रहा है। अभी 155 बेटियों के विवाह होने हैं 8 मार्च को शिवरात्रि को। इसी बीच बागेश्वर धाम के अभिजीत और सोनिया पूज्य महाराष्ट्र के अनन्य भक्त हैं, शिष्य हैं। अभिजीत और सोनिया विवाह करने जा रहे हैं उत्तराखंड। पूज्य महाराष्ट्र को निमंत्रण के साथ आशीर्वाद लेने पधारे हैं और विवाह करने के बाद दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के पहले पुनः बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, पूज्य महाराष्ट्र का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे। अभिजीत और सोनिया की अनन्य आस्था है बालाजी में, पूज्य महाराष्ट्र में। उनको भी आप करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, अपनी ओर से भी बधाई और शुभकामनाएं दीजिए कि उनका वैवाहिक जीवन सफल हो। पूज्य महाराष्ट्र एक दिन कह रहे थे कि इतनी बेटियों के विवाह करते हैं फिर भी बहुत सारी पात्र बेटियां अब भी रह जाती हैं। 151 का संकल्प था इस बार महाराष्ट्र का, लेकिन चार ऐसे परिवार, चार ऐसी बेटियां पढ़ा दी उन्होंने जो अपने आंखों में आंसू लेकर आई थी। उनकी पात्रता थी, लेकिन बागेश्वर धाम जनसेवा समिति का एक निर्धारित संकल्प था कि हमें 151 ही करने हैं। ऐसी कई बेटियां जो पात्र थी लेकिन वो संकल्प की निर्धारण सीमा में नहीं आ रही थी, इसलिए रह गई। लेकिन महाराष्ट्र की उदारता, उनकी करुणा इतनी है कि जब वो चार बेटियां आई तो महाराष्ट्र ने कहा कि जैसे तैसे इंतजाम करेंगे लेकिन इन चार बेटियों का विवाह और करेंगे। तो इस तरह से 151 से 155 हो गई। फिर जब संख्या बढ़ती है तो सभी चीजें बढ़ती हैं, फिर मोटरसाइकिल भी 55 होनी है, फिर फ्रिज भी 55 होने हैं, फिर प्रेस भी 55 होंगे, मंडप 55 बनेंगे, ब्राह्मण 55 बुलाए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने, बागेश्वर धाम जनसेवा समिति, इन्होंने बहुत रोका कि महाराज जी बहुत व्यवस्था प्रभावित होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार हमारी बात मान लो, इन चार बेटियों को बढ़ा दो, अब हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इतनी करुणा और उदारता उनके हृदय में बेटियों के लिए है और वो उदारता हर शिवरात्रि को हमें दिखती है। इस वर्ष 155 बेटियों के विवाह हो रहे हैं, अगले वर्ष ये संख्या और बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच पूज्य महाराष्ट्री ने कहा कि कुछ बेटियां ऐसी हैं जो वर्ष में भी अगर कभी ऐसी पात्रता उनकी बनी और बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की सामर्थ्यता बनी तो हम वर्ष में बीच में भी एक बागेश्वर विवाह वाटिका बनाकर ऐसी बेटियों के विवाह करते रहेंगे। ये योजना उनके मस्तिष्क में है और ये क्षण निश्चित रूप से आएगा जब भारत में एक ऐसा धाम होगा, एक ऐसी पीठ होगी जिसपे आने वाली पूरी चढ़ोतरी, पूरी दान राशि गरीब बेटियों के विवाह में खर्च होगी। आज कई कहानियां आपको दिखाई गई, अगर संस्कार की टीम यहां बैठी हो और वो कहानियां एक बार दिखा दे महाराष्ट्री, क्योंकि जब मौजूद नहीं थे, कुछ बेटियों के परिवारों से आपको मिलना चाहिए, उनकी कहानियां आपको देखनी चाहिए कि किन परिवारों की बेटियों के विवाह हो रहे हैं। जब तक आकृति जी की टीम सेट करती है तब तक वो कहानियां अगर स्क्रीन पर दिखाई जाए, कुछ महाराष्ट्री ने नहीं देखी है अभी तो वो भी हमारी दृष्टि भी पड़े, पूज्य महाराष्ट्री भी देख लें। कई परिवार हैं ऐसे जिनके घर में जब वेरिफिकेशन के लिए बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की टीम गई तो उनके घर में चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और शक्कर भी नहीं थी, वो पड़ोस से मांग कर लाई तब उन्होंने चाय पिलाई। एक बच्ची
जिसका विवाह हो रहा है उसने खुद ही अपने विवाह का पंजीयन कराया है, क्योंकि ना माँ है ना पिता है, छोटे भाई बहन हैं, वो बड़ी बेटी ही उन भाई बहनों को पाल रही है और खुद मजदूरी करती है। तो जब समिति पहुंची तो वो बेचारी मजदूरी से लौटी और उसने अपना घर दिखाया, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि एक 5 लोगों की एक टीम इन बेटियों की पात्रता की जांच करेगी, एक एक घर जाएगी। 2000 किलोमीटर की यात्रा उस समिति ने की और उन सभी बेटियों के घर गई, क्योंकि आवेदन तो किए थे लगभग 2000 बेटियों ने, 2000 परिवारों ने आवेदन किए थे, लेकिन उनको जांचना था कि कौन अधिक पात्र है। तो अब आप समझिए कि जब उनकी पात्रता जांची गई तो इतनी बड़ी यात्रा उस समिति ने की, एक एक घर गए, उनको देखा, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति को देखा, पिता से मिले। कई बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, कई बेटियां ऐसी हैं जिनके पिता नहीं हैं, ऐसी अनेक बेटियां हैं, उनकी करुण कहानियां हैं। निश्चित रूप से ये यज्ञ ऐसा यज्ञ है जो पूरे भारत में कहीं और नहीं हो रहा है। आपकी सहयोग की एक एक पाई, आपका जो दान है वो उन सुपात्र बेटियों को जा रहा है जिनको वास्तविक आवश्यकता है, उनको जरूरत है कि कोई इन परिस्थितियों में उनका साथ दे। और पूज्य महाराज श्री अपने करुण हृदय के साथ निरंतर ऐसी बेटियों के विवाह कर रहे हैं और उनको संबल दे रहे हैं। इन बेटियों की कहानियां नेत्रों को करुण करने वाली हैं। आप भी अगर इस विवाह महायज्ञ में सहभागी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी बेटियों के विवाह में आपका भी कुछ सहयोग हो जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कह रहा है कि मैं हर बेटी को एक एक साड़ी देना चाहता हूं, कोई कह रहा है कि हम पायल देना चाहते हैं, कोई अंगूठी लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस अच्छा कैसे क्या हुआ? लड़की दी गई थी मोबाइल में तो हमने फार्म ले लिया पापा जी का बागेश्वर का। लड़की एक लड़का है, उनको काम लग जाता नहीं भी लगता। कहना चाहेंगी बागेश्वर धाम के यहाँ से आपकी बच्ची की शादी हो रही है?
जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब के गरीब आदमन को भलो कर रहे भी, जिनके पास देवे लेवे का नहीं है दान दही, तो वो सब की सुन रहे हैं भी, तो भगवान ही बराबर है। और हमारे पति तो वैसे ही लाचार है, 4 साल से खा रहे हैं परेशानी, 2-2 बार भी मौत के मुंह से बचे आए, तो हम तो मतलब फार्म डाल रहे थे कि चलो घर में लगाओ, गरीब आदमी आके बच्चा निकल जाए, उनके भी सोच रहा है कि हमारी जीत हमारी लड़की पाल लग जाए, लड़कन की कोई बात नहीं है, होए तो होए ना भाई तो ना भाई, हमारे लाना तो भी भगवान बराबर है, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो ही बहुत है। खत्म हो गए थे, चाचा चाची ने पाला है, तो तबीयत खराब थी, बीमार थी, इसलिए उनके इलाज भी करवाया था मतलब, तो नहीं बच पाए थे। क्या नाम है आपका? संदीप साहू। तो आपकी जो बहन की शादी हो रही है उनका क्या नाम है? रोशनी साहू। तो वहाँ पे धाम पे आपकी शादी हो रही है, क्या क्या पता है बताया गया आपको अभी तक? गाड़ी बोल रहे हैं, सोफा बोल रहे हैं, हाँ, वॉशिंग मशीन बोल रहे हैं, अलमारी बोल रहे हैं, बहुत सारी सामान बोल रहे हैं। तो खुश हैं आप? हम खुश हैं। तो मैंने फॉर्म चेक किया था, उसमें लिखा था कि आप अनाथ थे, तो क्या हुआ था आपके? हमारे मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे, ऐसे तबीयत खराब थी, बीमार थी, इसलिए उनके इलाज भी करवाया था मतलब, तो नहीं बच पाए थे। तो आप छोटे थे, कितने छोटे थे आप? हम थे 7-8 साल के। तो फिर मम्मी पापा तब ख़त्म हो गए थे? मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे, चाचा चाची ने पाला है। जो बहन की शादी का बर्डन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको चिंता थी कि मतलब? चिंता थी देने की। फिर आपको बागेश्वर सरकार का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का सहारा मिल गया? हाँ, सहारा मिल गया। बागेश्वर महाराज की कृपा से हो रही है, नहीं तो घर से तो कुछ नहीं हो पाता, इतना हो नहीं सकना था। मजदूर आदमी है, कहाँ से कर पा रहे हैं, उनके मम्मी पापा नहीं है, हम लोग भी सब गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, उनने जितना दे रहे हैं कर रहे हैं, उतना घर से कभी नहीं होना था, उससे आधा भी नहीं हो सकता था, उनकी बहुत कृपा है। उनकी बहुत कृपा है सब लड़कियों के लिए, भतीजी के लिए नहीं, सबके लिए, जितने की भी कर रहे हैं, महाराज की बहुत कृपा है। हर दिन उनका बढ़ोतरी हो हर चीज में, उनका आशीर्वाद सबको मिले।
करतल ध्वनि से इन बेटियों के परिवारों तक अपना अभिनंदन भेजिए। पूज्य महाराज श्री की आंखें गीली हो गई, आप में से बहुत सारे लोगों की आंखें गीली हो गई होंगी। निश्चित रूप से बहुत ही भावुक क्षण होगा 8 मार्च को जब ये बेटियां विदा होंगी इनके परिवारों के पास। विवाह तो छोड़िए, भरण पोषण के लिए भी पैसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी आमदनी का एक हिस्सा भी ज्यादा है, एक हिस्सा भी थोड़ा अतिरिक्त आपने कमाया है थोड़ा सा भी, तो ऐसे परिवारों को जरूर सहयोग करिएगा। और निश्चित रूप से 8 मार्च को जब वो विदाई का क्षण आएगा तो आप रहिएगा, इन बेटियों से भी मिलिएगा और इस परिवार, इस मंडप में जहाँ ये बेटियाँ बैठी हों वहाँ जाकर इनसे बात करिएगा। हर कोई आपकी तरह सौभाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बालाजी की आवश्यकता है, पूज्य महाराज श्री जैसे महान विभूतियों की आवश्यकता है। आपकी एक एक पाई सुपात्र के पास दान हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति मेहरा अपनी राग सेवा के लिए हमारे बीच विराजमान है, अब उनकी टीम तैयार है, आप भी यहीं से शुरू करिए। बड़ा भावुक क्षण है आपके लिए, एक सुंदर अवसर भी बना है, पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति है, प्रारंभ कीजिए। बोलिए जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और श्री बागेश्वर धाम की इस पावन नगरी में महाराज जी के समक्ष महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आप सभी के बीच आके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को कि महाराज जी ने मुझे यहाँ अपनी प्रस्तुति देने की अनुमति दी और आमंत्रित किया, और मैं बहुत खुश हूँ। और जैसा कि माहौल मैं देख रही हूँ, वीडियो देखा, सभी बहुत भावुक हैं, और इस अवसर को देखते हुए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत याद आ रहा है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगी आप सभी के बीच। Thank you.
थैंक यू सो मच। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन आप सभी को सुनाना चाहूंगी।
जय हो, जय हो। ये बालक बागेश्वर बालाजी की कृपा से हुआ है। पूज महाराज श्री ने पर्चे पे बालक के जन्म की तारीख और समय अंकित किया था और ये उसी तारीख और समय पर बच्चा जन्मा है। ये परिवार आज बच्चे को लेकर यहाँ पहुंचा है। ये साक्षात बालाजी की कृपा का प्रताप है। और जिन लोगों को जी इनकी कहानी आप खुद इनके मुंह से सुनिए। हेलो, बागेश्वर धाम के गुरुजी ने जो बोला था वह सत्य हुआ है। हमारे यहाँ बालक हुआ है तीसरे ऑपरेशन से और जितने टाइम का बोला था उसी टाइम पे हुआ है। 11:33 पर हुआ था 2023 में। हाँ गुरुजी, दरबार में बोला था आपने, दरबार में बोला था, हटा के दरबार में कि आपके यहाँ होगा, वो पितृ दोष लगे थे ना तो वो पूजन हो जाएगा तो आपके यहाँ होगा लड़का 11:33 पे। वीडियो भी है गुरुजी आपका, जिससे आपने बोला था उसी समय पे हुआ है 11:33 पे। आशीर्वाद न यहाँ का वहाँ हुआ, गंगेले मैडम ने किया है दमों की सबसे बड़ी, और सब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो कि मर जाएगी तेरी बेबी। हमने की बागेश्वर धाम की गुरुजी ने बोला है कि वो नहीं मरेगी और अच्छे से सबको 1 घंटा लगता है, 15 में बाहर आ गई थी। कहती बागेश्वर कृपा अच्छे से हुई है गुरुजी, हम लोग नहीं जानते थे कि होगा कि नहीं होगा। कैसे तीसरा ऑपरेशन है, उसकी पूरे पेट की जगह पूरी खराब हो गई है। सबने मना कर दिया था कि तेरा ऑपरेशन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बालाजी ने ऐसा वो किया कि कृपा हो गई हम लोग के ऊपर। बालाजी की कृपा से हो गया वो है बात। हाँ जय लाल जय जय। जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी भगवान की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव महाराज की, दादा गुरु की, सीताराम। बागेश्वर धाम पर ऐसे चमत्कार रोज होते हैं। किसी किसी दिन अवसर आ जाता है कि जब ये इस तरह के आयोजन में समक्ष आते हैं, लेकिन चमत्कारों की ये धरती है, ऋषियों की धरती है। बालाजी और पूज्यपाद सन्यासी बाबा पूज्य महाराज श्री के माध्यम से ऐसे अनेक चमत्कार यहाँ निरंतर करते हैं। ये दमोह का परिवार है जिसका पर्चा पूज्य महाराज श्री ने बनाया था, और हटा में जब कथा चल रही थी उस दौरान दिव्य दरबार में इस परिवार का पर्चा बना था। सिजेरियन डिलीवरी में काफी दिक्कत होती है 2 बच्चों के बाद, लेकिन इस परिवार को यह भरोसा था कि पूज्य महाराज जी ने अगर कहा है तो तीसरा बच्चा सकुशल होगा और जैसा कहा है वैसा होगा। 2 बेटियों के उपरांत ये तीसरा बच्चा जन्म लिया। पूज्य महाराज श्री और बालाजी के प्रति जो अनन्य आस्था इस परिवार की थी, आस्था जीत गई और जो अंदेशे थे वो हार गए। ऐसी कृपा है बालाजी की। आप सभी इस बच्चे के सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें और इस परिवार को पूज्य महाराज जी बालाजी का विग्रह भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं। आकृति जी पुनः आपका स्वागत है एक और गीत के लिए। एक और बहुत ही खूबसूरत सा भजन आप सभी को सुनाना चाहूंगी, और इस भजन में भी मैं चाहूंगी आप सभी मेरा साथ दें। आगे।
हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो संकट हरो जी मेरी विपदा हरो जी संकट हरो जी मेरी विपदा हरो जी अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो प्रभु लाखो कोतारे लाखो उबारे प्रभु लाखो कोतारे लाखो उबारे प्रभु लाखो कोतारे लाखो उबारे प्रभु लाखो कोतारे लाखों की हो गई जय जयकार आज मेरा संकट हरो लाखों की हो गई जय जयकार आज मेरा संकट हरो संकट हरो जी मेरी विपदा हरो जी संकट हरो जी मेरी विपदा हरो जी अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो संकट हरो जी मेरी विपदा हरो जी संकट हरो जी मेरी विपदा हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो लगी हलचल मची थी लंका में आग लगी हलचल मची थी लंका में आग लगी हलचल मची थी हलचल मची थी देखो कुटिया बची थी हलचल मची थी देखो कुटिया बची थी कुटिया में लिखा राम नाम आज मेरा संकट हरो मेरा संकट हरो संकट हरो जी मेरी विपदा हरो जी संकट हरो जी मेरी विपदा हरो जी अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो संकट
हरो संकट हरो जी मेरी पिपदा हरो जी संकट हरो जी मेरी पिपदा हरो जी संकट हरो जी मेरी पिपदा हरो जी अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना चरण कमल बनिहाल आज मेरा संकट हरो चरण कमल बनिहाल आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो जी मेरी पिपदा हरो जी संकट हरो जी मेरी पिपदा हरो जी अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो संकट हरो जी मेरी पिपदा हरो जी 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 अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो अंजन के लाल हनुमान वीर हनुमाना अति बलवाना सियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग बाला तेरू तेरी माला बजरंग बाला तेरू तेरी माला बजरंग बाला फेरू तेरी माला बजरंग बाला फेरू तेरी माला बजरंग बाला फेरू तेरी माला संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे अरज लगावे 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अरजी हमारी मरजी तुम्हारी अरजी हमारी मरजी तुम्हारी सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु
घुमन बसियू रे राम राम रसियो सांस्कृतिक संध्या तो पूरी रात चलती रहेगी क्योंकि आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। पूज्य महाराज श्री विश्राम के लिए गए हैं और इस बीच एक आदेश देकर गए हैं। एक सूरदास जी हमारे बीच हैं, उनका एक गीत होना है, वो एक प्रस्तुति दे दें आप सभी के समक्ष एक सुंदर और सुरीली प्रस्तुति के साथ, फिर आज की सांस्कृतिक संध्या का समापन करेंगे। अगर आकृति जी की टीम और प्रस्तुति चाहती है तो वो निरंतर दो तीन का क्रम और चल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। एक प्रस्तुति सूरदास जी की और उसके बाद एक अंतिम प्रस्तुति आप दे दीजिएगा तो समापन हो जाएगा। जी स्वागत है। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आनंद कुमार ब्लाइंड स्टार्स म्यूजिक एकेडमी से और हम महोबा से बिलोंग करते हैं और अंकल जी ने अभी सूरदास जी के नाम से मैं संबोधित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम उनसे क्षमा चाहेंगे कि सूरदास अगर आप किसी को कहेंगे, जैसे अगर हमारे जैसे व्यक्ति हैं तो हमें हल्की फुल्की नज़र है लेकिन हम सूरदास नहीं हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम ब्लाइंड हैं, इसलिए हमारी एकेडमी का नाम भी है ब्लाइंड स्टार्स म्यूज़िक एकेडमी। तो बिना वक्त गवाए हुए हम आपको एक भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, और राम पे जीने वाले हैं और राम पे मरने वाले हैं। अच्छा बताइए कौन है हम लोग? नहीं नहीं, बागेश्वर वाले हैं ना, बागेश्वर वाला कौन कौन है? हाँ तो दोनों, सब लोग दोनों हाथ उठा करके गाइए। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, राम पे जीने वाले हैं और राम पे मरने वाले। हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, मरने वाले हम बागेश्वर वाले हैं।
बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं। बागेश्वर बालाजी हम पर कृपा करो महाराज, बागेश्वर बालाजी हम पर कृपा करो महाराज, करो दया की नजर ओ बाबा कर दो पूरण काज। ए बागेश्वर बालाजी हम पर कृपा करो महाराज, करो दया की नजर ओ बाबा कर दो पूरण काज, कर दो पूरण काज। बाबा बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगाने वाले हैं, बाबा बड़े दिल वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले। अच्छा एक बार साथ में गाइए आप लोग। हम बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं। अच्छा मोबाइल किन किन के हाथ में? सब लोग अपना मोबाइल निकालिए, निकाल लिए सबने? हाँ निकालिए निकालिए, जल्दी जल्दी निकाल लिए। आपने मोबाइल निकाला और YouTube खोलिए अपने मोबाइल में। YouTube में सर्च करिए ब्लाइंड स्टार्स म्यूजिक एकेडमी, सर्च करिए ब्लाइंड स्टार्स म्यूजिक एकेडमी। अगर आप हमें YouTube पर देखना चाहते हैं, वैसे बागेश्वर धाम चैनल से और संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। सन्यासी बाबा दादा गुरु के प्यारे हैं, परम पूज्य सन्यासी बाबा दादा गुरु के प्यारे हैं, पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण भगतन की आंख के तारे हैं। परम पूज्य सन्यासी बाबा दादा गुरु के प्यारे हैं, पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण भगतन की आंख के तारे हैं, भगतन के आंख के तारे हैं। गले लगाने वाले हैं, गले लगाने वाले हैं। यहाँ प्रत्येक दिन एक ना एक रोज चमत्कार होते हैं, इसलिए हम सब गर्व से क्या कहते हैं? हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, सुनो जी बागेश्वर वाले हैं। अगर आप सबकी अनुमति हो तो एक स्टेंजर एक गीत का और सुना दें। अच्छा एक बात बताइए, जो हमने आप लोगों को कहा था कि ब्लाइंड स्टार्स म्यूजिक एकेडमी सर्च करिए, किसने किसने किया? चलिए कोई देख लेते। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो हमारे गुरुजी श्री मनमोहन सिंह बाबला जी गुरुजी सर्वधर्म भोजन सेवा प्रतिदिन गरीब निशुल्क वितरण करते हैं महिला चिकित्सालय में महोबा में।
तो आज हमसे एक लोगों ने पूछा, सॉरी हमारे गुरुजी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आज ये? तो हमारे गुरुजी ने बोला धाम जा रहे हैं। तो गुरुजी ने वो समझ नहीं पाए वो, तो उन्होंने कहा कौन से धाम? गुरुजी ने बताया बागेश्वर धाम। तो बोले अकेले जा रहे हैं? हमने कहा नहीं अकेले नहीं जा रहे। तो बोले किसके साथ जा रहे? हमने कहा हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात ही चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात ही चिंता। बिन बात ही चिंता। हमारे साथ हमारे साथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बागेश्वर धाम की। अच्छा आप लोगों को जैसे इतनी अच्छी प्रस्तुति के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा मधुर भजन आप सभी को सुनाना चाहूंगी आप सभी के बीच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान। Thank you.
प्रस्तुत